चलिए नाउ इट्स टाइम टू फायर दिस थिंग. सो गाइस दोस्तों वीडियो अपने से आई एम बैक विद अनदर वीडियो. तो गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग नॉइस जो पीछे आसपास आ रहा है. बट गाइस आज हम आ चुके हैं फिर से सरस्वती मोटर्स पे एक और नई बाइक रिवील करने के लिए, जो बाइक काफ़ी टाइम से हम दिखा रहे थे आपको थंबनेल स्टोरीज में, इंस्टा स्टोरीज में, कि ये बाइक हम रिवील करेंगे. तो गाइस आज हमारे पास ये खड़ी है बाइक. अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले इस बाइक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर सिनेमैटिक दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा ये बाइक कौन सी है. ऑरेंज कलर की ब्यूटी यहाँ पे खड़ी आपको दिख ही रही होगी. बाकी फर्दर भैया से मिलते हैं, भैया भी कुछ बात कर रहे हैं और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस आ चुके हमारे साथ जसनीत भैया फिर से. तो और भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया है, जी रहे हैं मिस्ट्री बॉय ब्लॉग के राज में हम लोग. नया माइक है. अच्छा, बड़ी कंप्लेंट्स आती थी आप लोगों की कि भैया इसकी आवाज़, आपकी आवाज़ नहीं सही आती, इम्प्रूव करो. लड़के ने तरक्की करी है, इसका फर्स्ट पेचेक आ गया यूट्यूब से. आ गया ना? नहीं, ये तो पापा के पैसे में, पर पेचा तो आ चुका है. चलो ऐसी सपोर्ट करते रहोगे आप लोग. इसको भी अगर सब्सक्राइब कर, अभी तक नहीं करे तो पहले सब्सक्राइब कर लो, करेंगे अगले महीने. एग्जैक्टली, तो आप ऐसी सब्सक्राइब करते रहोगे और सपोर्ट देते रहोगे तो ये आपका छोटा मिस्ट्री बॉय व्लॉग जो ये आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा. तो जैसे शुरुआत करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरी वन, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का. एंड ऐसे ही जो इतना ओवरवेलमिंग प्यार देते हो, अनजस्टिफाइबल फीलिंग्स आती है मेरे को, मतलब मैं जो बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट मिलता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और इतना प्यार मिलता है आप लोगों से. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है. एंड आज फिर से काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो शूट करने जा रहे, जो कि मैं बीच में काफ़ी बिजी हो गया था. आप लोग आ रहे थे तो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक बहुत, पर ये वाली बाइक के जिस हिसाब से भैया ने सस्पेंस बनाया था ना, तो ये बाइक जब तक नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा. ये एक चीज़ थी, एक मेरे पास आई है जो एक लौती चीज़ है, एक वन ऑफ अ काइंड चीज़ है इन एंटायर इंडिया दैट आई कैन अश्योर यू ऑफ, जो फिलहाल सिर्फ सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स के पास खड़ी हुई है. ऐसी बाइक्स तो बहुत सारी है, ये पीछे खड़ी है, बट अभी रिवील करने जा रहे हैं थोड़ी देर में. जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने इसके थोड़े बहुत टीजर्स वगैरह देखे होंगे. तो इंस्टाग्राम पे मेरा काफ़ी एक सस्पेंस चल रहा था कि लोग कह रहे हैं भैया रिवील करो कौन सी बाइक है, ये है, वो है, क्या है. तो अब वो टाइम आ गया है टू रिवील दिस बाइक अप. सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी सिनेमैटिक्स एंजॉय करो और पहले नीचे कमेंट्स में बताओ कि बाइक कौन सी है. तो नीचे कमेंट सेक्शन में ना कमेंट्स आ जाने चाहिए कि आपको लिखना जरूर कि भैया आपकी बाइक दिखाने से पहले मैंने बाइक कमेंट किया था. तो आई डेफिनेटली जज कि आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. बाकी इंस्टाग्राम हैंडल मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही है और यहाँ भी रहूँगा. सारे लाइव जितने भी मेरा नया कंटेंट लाता रहता हूँ मैं भी इधर उधर से छानबीन कर करके, वो सब इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आता है, फिर आता है आपके यूट्यूब पे. तो चलिए लेट्स एंजॉय द सिनेमैटिक्स एंड स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स गो. सो गाइज जो बाइक थी, अगर आप लोगों ने सही गेस करा हो तो दैट वॉज योर ZX10r, आपने सिनेमैटिक्स में देखी होगी. एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इट, सो लेट्स रिवील दिस बाइक. कर दे अर्जुन, हियर दिस थिंग इज. अब ये जो चीज है, तो मैं क्या बताऊं ये क्या चीज है, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू जस्टिफाई दिस थिंग कि ये कैसी बाइक है, जैसी ये दिख रही है और उससे चलने में उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है. तो आपको ये बाइक कैसी लगती है पहले नीचे कमेंट सेक्शन में जाके डू गिव मी योर कमेंट्स कि ये कलर स्कीम, ये ZX10r, दिस इज़ अ कावासाकी ZX10r KRT एडिशन जो 2016 में आया था,
CBU यूनिट, ये वो चीज़ है आपके सामने, और एक लौती ऐसी चीज़ है जो भी आपके सामने खड़ी हुई है विद कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड पेंट जॉब। अब हर किसी का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, और अगर मेरी बात करो तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब अगर सड़क पे लेके निकलते हैं तो ये कहते हैं ना आई कैंडी, जो हेड टर्नर होती है, मतलब लोग देखते हैं, एक सेकंड लुक देते हैं। टेनआर तो इतनी कॉमन हो गई है कि एवरीबॉडी नोज कि हाँ चलो टेनआर जा रही है, बट ये देखते हैं अभी ये कौन सी बाइक गई है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट, एंड अभी आगे चल के आपको उसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा विच साउंड्स वेरी डिफरेंट। एंड दिस थिंग इज की जब तक हम बात करेंगे उससे पहले तो बहुत कुछ है इसके अंदर। अरे बहुत कुछ है ये, मतलब जैसी दिख रही है ये वैसी ही चीज़ है। एक बड़ी कलर स्कीम देखिए इसकी, विद दैट फ्लोरेसेंट येलो, सॉरी ऑरेंज, ब्लैक, वाइट एंड अ हिंट ऑफ ब्लू इन द अलॉय व्हील्स एंड स्विंग आर्म। आगे शोवा का सस्पेंशन विद द ब्रेम्बो ब्रेक्स, क्या मस्त लग रहा है देखने में। दिस कलर कॉम्बिनेशन इज लिटरली क्रेजी, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, एंड जैसी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा अग्रेसिव चलती है, दैट आई कैन अश्योर यू ऑफ। ये एक ऐसी टेनआर है जो मैंने अभी तक जितनी भी चलाई है, एक अग्रेसिवनेस कह लो, एक मज़ा कह लो, तो ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार है। इट्स नॉट लाइक योर कन्वेंशनल एनी सेकेंड टेनआर, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट। सो गाइज, ये 2016 मॉडल की ZX10r है आपके सामने, फुली लोडेड, फुली कस्टमाइज, काफ़ी कुछ एक्सेसरीज लगी हुई है इस बाइक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक के डिटेल्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 2016 मॉडल है, दिस इज़ अ CBU यूनिट। CBU मतलब कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, ये मेड एंड असेंबल्ड इन जापान, फिर यहाँ पे आई थी इम्पोर्ट होके एज अ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, इसको CBU बोलते हैं। अब जो टेनर आ रही है 2017-18 से जो आ रही, 17 में भी आई थी कुछ यूनिट्स, दैट वॉज CKD। CKD मतलब कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट, जो यहाँ पे आके असेंबल होती है, और तभी एक प्राइस का फ़र्क आया था काफ़ी ज़्यादा, एक अब की टेनर में और एक जो पहले ये CBU आती थी उसके अंदर। प्राइस के ज़्यादा कुछ क्वालिटी का भी फ़र्क रहता है, 19-20 का ही कह लो, लेकिन फ़र्क रहता है। सो दिस इज़ द टेनर ओवर हेयर राइट नाउ। एंड बात करें अगर इस बाइक के बारे में, तो सबसे पहले आगे से शुरुआत करते हैं। KRT एडिशन के अंदर आपको शोवा का सस्पेंशन मिलता है विच कम्स इन स्टैंडर्ड, ये कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरी नहीं है, दिस कम्स इन स्टैंडर्ड एडजस्टेबल सस्पेंशन है। आप इसका प्रीलोड और डैम्परिंग एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं लेकिन मैकेनिकली फिजिकली। नेक्स्ट कम योर ब्रेम्बो कैलिपर्स, ब्रेम्बो ब्रेक्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बाइक, अमेजिंग ब्रेक्स, एंड इनका जो प्रेशर रहता है, इनकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज है वो काफ़ी इंप्रूव्ड हो जाती है देन अदर ब्रेकिंग जो मिलती है कंपनीज की तरफ से। और उसके अलावा ये जो बाइक है गाइस, इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है यार, मैं बोलता ही जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इसके साथ ही साथ टू कंपनसेट विद द ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन, इसमें लगे हुए पिरेली के डायब्लो रोसो 3 ब्रांड न्यू टायर्स। इसके अभी तक तो ग्रूव्स भी आप देखेंगे तो ग्रूव्स भी नहीं उतरे हैं, दिस इज़ डायब्लो रोसो 3, रोसो 2 भी आता था, दिस इज़ रोसो 3। बड़े मज़ेदार टायर्स हैं, कम्प्लीटली ट्रैक रेडी वेपन है, इसकी जो ट्रैक्शन है, इसका जो ग्रिपिंग है, बहुत ही सॉफ्ट कंपाउंड टायर है, मतलब मिक्स कंपाउंड होता है ये, तो इसकी ट्रैक्शन बड़ी अच्छी मिलती है आपको। टायर जितना सॉफ्ट होगा उतनी आपको अच्छी रोड पे इसकी हैंडलिंग मिलेगी। एक बार आप फ्रंट लुक देख लीजिए इसकी, आई ओपन अप दीज मिरर्स, दे यू गो। टेनआर लगती है नहीं लगती है मेरी कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मुझे तो टेनआर दूर से देखने में नहीं लग रही थी। दिस इज सो मीन लुकिंग एंड सच अ ब्यूटीफुल बाइक दिस इज। चलिए अब एक्सेसरीज से आगे बात करते हैं। अगर फ्रंट में या नीचे से अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर लगी हुई है रेडिएटर ग्रिल्स, दीज आर योर रेडिएटर ग्रिल्स विच विल प्रोटेक्ट योर रेडिएटर फ्रॉम ऑल दी डेब्री, या कुछ भी बाइक चलती है तो सड़कों पर जो भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं उल्टी चीज़ें लगती हैं, तो दिस इज़ योर रेडिएटर ग्रिल्स। और साथ ही साथ में अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये लगा हुआ है RNG के क्रैश गार्ड्स, दीज आर ओरिजिनल RNG के क्रैश गार्ड्स। साथ ही साथ में आपको अगर नीचे जो ब्रेम्बो ब्रेक्स मिलती हैं उसके ऊपर भी आप देख सकते हो, शोवा का सस्पेंशन मैं आपको दिखाता हूँ, दीज आर योर एडजस्टेबल सस्पेंशन, आप ऐसे प्रीलोड और डैम्परिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ में सस्पेंशन के साथ जो आपको गुडीज मिलती हैं बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द कंपनी, इट्स योर ओलेंस का स्टीयरिंग डैम्पनर। अभी स्टीयरिंग डैम्पनर के यूजेस बहुत है एक सुपर बाइक के अंदर, स्पेशली एडिटर क्लास के अंदर, या 600cc भी क्यों ना हो, सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर स्टीयरिंग डैम्पनर होना काफ़ी ज़रूरी समझता हूँ मैं। रीज़न बीइंग,
ये आपके स्टीयरिंग को वॉबल होने से बचाता है। वॉबल मतलब एक डेथ वॉबल होता है, आप यूट्यूब पर देखोगे, लिखोगे डेथ वॉबल तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ भी हो चुका है एक बारी, बट इट वॉज एक एक्सपीरियंस था लाइफ का। तो स्टीयरिंग डैम्पनर एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, और ओलेंस का हो तो ये तो सोने में सुहागा वाली बात है। ओलेंस भी मेक्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ओलेंस की तरफ से। इसी के साथ साथ आगे आप पढ़ेंगे तो आगे आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की मेन चीज़, वो है इसका सीआर रेसफिट का ओरिजिनल फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दीज पाइप्स हैव स्टार्टेड टर्निंग ब्लू। ये जो आप कलर यहाँ देख रहे हो, ये कलर थोड़ा सा ब्लू होने लग गया, ब्लू ह्यू आने लग गया। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ अबाउट द ओरिजिनल एग्जॉस्ट एंड द रेप्लिका एग्जॉस्ट। जो ओरिजिनल टाइटेनियम एग्जॉस्ट होगा गाइज, पहली बात उसका कलर ये होगा, ये जो आप देख रहे हो दिस इज टाइटेनियम कलर स्कीम। और जैसे ही आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही हीट होना चालू होगा, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे आने के बाद टाइटेनियम टेंड्स टू चेंज इट्स कलर। तो ये जो बेंड पाइप है, ये भी आप देख रहे हो टाइटेनियम कलर की है, दिस विल टर्न इनटू ब्लू, अ बर्नड ब्लू। तो ये टाइटेनियम की खास बात है। अगर कभी भी आपको एग्जॉस्ट के रेप्लिका या ओरिजिनल चेक करना हो तो एक आपको फैक्ट ऑफ द डे कह लो या टिप ऑफ द डे कह लो, टाइटेनियम टेंड्स टू चेंज इट्स कलर व्हेन इट्स हॉट। तो ये धीरे 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 करते करते ब्लू होने लग जाएगा। अभी आप आएंगे ध्यान से देखेंगे इसके वेल्ड्स, ये वेल्ड्स जो है ये भी एक ब्लू रेनबो टेंट आ रहा है, रेनबो ह्यू, नीचे से भी ब्लू होने लग गया है। तो गाइस ये निशानी है एक ऑथेंटिसिटी की, एक ऑथेंटिक एग्जॉस्ट की, टाइटेनियम की, कि टाइटेनियम टेंड्स टू चेंज इट्स कलर व्हेन इट बिकम्स हॉट। और रेसफिट का एग्जॉस्ट है तो आपको पता ही होगा कि इसकी आवाज़ कैसी खतरनाक होने वाली है। साथ ही इसमें पीछे लगे हुए हैं स्पूल्स, पैडॉक स्पूल्स कह लो या स्विंग आर्म प्रोटेक्टर्स कह सकते हो इनको, कस्टम स्विंग आर्म पेंट जॉब हुआ हुआ है, ब्लू कलर का पेंट जॉब है, रिम्स पे भी पेंट जॉब है, लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। अपने भी रिव्यूज़ देना, आई नो कई लोगों को पसंद नहीं आएंगे, कई लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे, मिक्स रिव्यूज़ आएंगे, बट डेफिनेटली गिव योर रिव्यूज़। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं अपने रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। और साथ ही हमें पीछे लगे टेल टाइडी किट, टेल टाइडी किट दे दो, कितनी फ्लश लुक आ रही है। ये जो छोटी छोटी दो चीज़ें देख रहे हो आप, दीज आर योर टर्न इंडिकेटर्स, ये भी फ्लश माउंट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, एक्सेप्ट योर कन्वेंशनल टेल जिसमें साइड में लगे होते हैं, ये टेल इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। साथ में पीछे आप देख सकते हो अगेन ब्रांड न्यू पिरेली रोसो 3, आप देख सकते हो दिस इज डायब्लो रोसो 3 पिरेली, ब्रांड न्यू टायर, बोथ द सेट आगे पीछे दोनों, बोथ द टायर्स आर एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, यू वोंट हैव टू स्पेंड अ पेनी ओवर दिस बाइक, फुली सर्विस्ड, फुली वेल मेंटेन्ड। अभी मेरे यहाँ पे भी सर्विस हुई है इस बाइक की, सो दिस इज अ वेरी फ्रेश बाइक फ्रॉम द लॉट। तो चलिए आगे आपको और इसकी एक्सेसरीज दिखाता हूँ मैं। सो विद दैट सेट, नेक्स्ट चीज जो है इसके अंदर लगा हुआ पीछे काउल, सो लुक एट दिस काउल, दिस इज सो वेल प्लेस्ड, सो वेल मेड एंड सो वेल डिजाइंड विद द कर्व्स एंड द एजेस, और जो कलर स्कीम है ये आपको हर एंगल पर थोड़ा डिफरेंट शेड देगा। आई होप कैमरा जस्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा है, आई कैन नॉट श्योर दिस थिंग, बट अगर आप इसको एवरी एंगल से, हर एंगल से देखोगे तो थोड़ा सा अलग सा ह्यू मारता है ये। दिस इज द यूनिकनेस अबाउट दिस पेंट जॉब। सो दिस इज द काउल, सीट आपको मैं साथ में दूंगा, रियर सीट आपको मिल जाएगी, इफ़ यू वांट टेक अ पिलन अलोंग विद यू तो पिलन के साथ भी ले सकते हो। उसके अलावा नीचे आप फिर से देख सकते हो स्विंग आर्म प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, इधर आपके फिर से आरएनजी के क्रैश गार्ड्स हो गए। एक बार लुक देख लो बाइक की, मतलब हाउ मीन दिस थिंग लुक्स। सारी पीछे बाइक एक तरफ है और ये एक तरफ है, ये अलग ही चमक रही है। कितना ज्यादा स्टॉक है आप देख सकते हो, बाइक तो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, मतलब क्या बताऊँ, अभी यहाँ से थोड़ा खाली करवाया ताकि शूट कर सके, बट ये नेक्स्ट लेवल। सो गाइज ये सारी बात हो गई इस गाड़ी के बाहर से, जो मैंने आपको इसके अंदर एक्सेसरीज लगी थी आपको मैंने जो बताया। तो चलिए अब इसके डैश पे चलते हैं, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझाता हूँ, दिखाता हूँ टेनर एक ऑथेंटिक या असली टेनर कैसी दिखती है। चलिए आओ लेट्स गो टू द डैश। सो गाइज दिस इज द डैश ऑफ ZX10r, जैसे कि आप देख रहे हो ये अभी माइल्स में आ रहा है, आई कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर्स, ये है 5942 लगभग 6000 माइल्स, अगर कन्वर्ट किया जाए किलोमीटर्स में तो लगभग 10000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, 10000 किलोमीटर्स बाइक हैज बीन रिडन। उसके अलावा इस बाइक के अंदर अगर फीचर्स की बात करें, आइए आपको मैं एक बार ध्यान से क्लोज लुक दिखाता हूँ। कि पहले आप देख रहे हो एफ लिखा हुआ है, ध्यान से अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो उसमें ऊपर लिखा है पावर। सो पावर स्टैंड्स फॉर कि अभी बाइक आपकी कितने मैपिंग पर चल रही है, दिस इज ऑन फुल पावर,
फुल पावर मतलब कम्प्लीटली 200 हॉर्सेज अराउंड द रन, बहुत अग्रेसिव चलती है। तो इसके नीचे लिखा हुआ है KEBC, वो टर्न है ऑफ। KEBC स्टैंड्स फॉर कावासाकी इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल। तो आप अपने इंजन ब्रेकिंग भी जो लोग डाउन शिफ्ट करते हैं, अगर डाउन शिफ्ट करते हुए अगर आपको बाइक रोकनी है, अभी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया, जो ट्रैक पे यूज़ करते हैं आपने सुनी होगी आवाज़ कैसी आती है, तो उस आवाज़ की जो बुम 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 ऐसी ऐसी आवाज़ आती है, सॉरी थोड़ा सा ऐसे बोल रहा हूँ, दैट इज़ डाउन शिफ्टिंग। वैन यू डाउन शिफ्ट फ्रॉम 4, 3, 2, 1 ऐसे, तो डाउन शिफ्टिंग के अंदर आपकी इंजन ब्रेकिंग काम आती है, आपका इंजन आपका रियर टायर रोकता है, तो इसके अंदर आप इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल कर सकते हो कि आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, उसमें लेवल्स आते हैं। सो KEBC है इसके अंदर। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे KTRC लिखा हुआ है, दैट इज़ योर कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके अंदर ट्रैक्शन भी है, ट्रैक्शन मेक श्योर कि वाइल लीनिंग और कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाए तो आपकी बाइक स्लिप ना हो, ट्रैक्शन कंट्रोल कम्स इनटू एक्टिव। अभी ये लेवल 5 पे है, तो मतलब ये काफ़ी हाई लेवल पे है, तो आपकी बाइक स्लिप नहीं होगी, ट्रैक्शन कंट्रोल से आपकी बाइक को व्हीली भी नहीं लगती है, जब दोनों टायर की स्पीड मैच नहीं करती है ट्रैक्शन कंट्रोल कम्स इनटू प्ले। आपको एक लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ, बड़ी एक शुद्ध प्यारी भाषा के अंदर, कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी काम करता है दोनों टायर की स्पीड को देखते हुए, अगर आगे या पीछे के टायर की स्पीड में कुछ भी फर्क आ रहा है, अगर पीछे का टायर ज़्यादा घूम रहा है या कम घूम रहा है, दैट मीन्स द बाइक इज स्लिपिंग, तो ट्रैक्शन कंट्रोल कम्स इन टू प्ले, वो आपके पीछे के टायर की पावर कट कर देता है टू मैच द स्पीड ऑफ बोथ द रिम्स। तो दिस इज ट्रैक्शन कंट्रोल, ये भी इसके अंदर फीचर दिया हुआ है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप इंजन टेम्परेचर देख सकते हो, अभी ये फायरन हीट्स में आ रहा है, 122 फायरन हीट्स है, दिस इज़ नियर अबाउट 55 डिग्री के आसपास होगा। उसके अलावा गाइस इसके अंदर आपको अगर ध्यान से इसका डैश देखोगे आप, यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं लैप के लिए, ये लिखा हुआ है लैप, आपको इजीली दिखा देता हूँ, दिस इज़ फॉर योर लैप टाइमर। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देंगे तो स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ है, ये जो बटन है नीचे, दिस इज़ टू स्टार्ट योर लैप टाइमर एंड स्टॉप योर लैप टाइमर एंड दिस थिंग कैन सिग्निफाई ऑल योर लैप्स। आप इसको ऐसे अंदर दबाओगे, इसको ऐसे अंदर करोगे तो आपकी एक लैप हो जाएगी, फिर सेकेंड लैप। इसके अंदर लैप टाइमर भी है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट योर फास्टेस्ट लैप जो आपने करी है ट्रैक पे या कहीं पे भी आप सर्किट पे जा रहे हो। सो इसके अंदर ये भी चीज़ है कि आप अपनी हर एक चीज़ का ट्रैक कर सकते हो, फ्रॉम योर लैप टाइमर्स टू योर एवरीथिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ZX10r, एक बेसिक जो होती है। उसके अलावा अगर गाइज इस स्पेसिफिक बाइक की बात करी जाए तो दिस इज़ Stage 2 ECU remap tuned। इसके अंदर कोई पावर कमांडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दिस इज Stage 2 ECU flashed। इसका ECU जो है दैट इज फ्लैश टू Stage 2। सो दिस बाइक इज पम्पिंग नियर अबाउट 200 हॉर्सेस, और 200 हॉर्सेस बहुत होता है, ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ अ मैड मशीन। इसको फुल पावर पे चलाना मतलब लगा लो, समझ जाओ कितनी खतरनाक है ये चीज़, पॉप्स वीली लाइक अ पीस ऑफ केक, बड़े मज़े से पॉप करती है। और नेक्स्ट जो मेन चीज़ है इस बाइक के अंदर वो है इसके अंदर क्विक शिफ्टर। तो आपने सुना होगा कि क्लच स्पीड शिफ्टिंग ऊपर शिफ्टिंग हो जाती है, इसमें क्विक शिफ्टर तो है ही, साथ ही साथ इसके अंदर ऑटो ब्लिपर भी है। ऑटो ब्लिपर क्या होता है, 2020 की ZX10r जो आ रही है उसके अंदर ऑटो ब्लिपर आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो 2020 वाले फीचर्स इसमें ऑलरेडी है। ऑटो ब्लिपर मतलब आप डाउन शिफ्ट अगर आप बड़े गियर पे हो, फोर्थ या फिफ्थ गियर पे हो, तो 4, 3, 2, 1 भी आप विदाउट यूजिंग योर क्लच डाउन शिफ्ट कर सकते हो। ऑटो ब्लिपर क्या करता है, आपके थ्रॉटल को ब्लिप करता है। ऑटो ब्लिपिंग मीन्स जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो विदाउट यूजिंग योर क्लच, यू ब्लिप योर थ्रॉटल एंड देन यू गो डाउन। तो ऑटो ब्लिपर अपने आप ही आपका थ्रॉटल बढ़ा के गियर डाउन कर देता है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली ट्रैक रेडी वेपन गाइज, थोड़े से टेक्निकल टर्म ज़्यादा है, तो दिस थिंग हैज क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर, मतलब क्विक शिफ्टिंग बोथ अप एंड डाउन। क्लच का काम आएगा भी तो सिर्फ जब गाड़ी खड़ी है तो खड़ी से आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड 6, 5, 4, 3, 2, 1 इज एब्सोल्युटली विदाउट क्लच एंड दिस थिंग कैन एब्सोल्युटली फ्लाई। ये ऐसा लगता है कि अभी टेक ऑफ करके चली जाएगी। सो दिस इज सो मच पावरफुल, सच ए मैड मशीन। ECU रीफ्लैश है, पावर कमांडर नहीं है, तो ECU रीफ्लैश का मतलब आप समझते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ZX10r। चलिए नाउ इट्स टाइम टू फायर दिस थिंग अप। Oh,
सो गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो बाइक है ZX10r, ये भैया आपको चला के दिखाएंगे, वो भी रोडों पे। ये जो हमारी यहाँ की जो जितनी करोलबाग वाली रोड है उन पे फायर अप करेंगे इस बाइक को हम। तो गाइस चलते हैं, बाइक के सारे शॉट्स दिखाता हूँ आपको, प्यारे प्यारे जो ये फ्लेम निकल रही है ना इसको दिखाता हूँ आपको ले जाके। सो गाइस लेट्स गो। सो गाइज अगर इस पावर पैक बाइक की अगर प्राइस के बारे में बात करें, जो वैसे ऑलवेज केप इन लास्ट, तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हम रखा हुआ है दैट इज केप्ट वेरी वेल प्राइस एंड वेरी रीजनेबल। वी आर एक्सपेक्टिंग 11.75 लाख फॉर दिस बाइक। 11,75,000 रुपये इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है एंड दिस प्राइस इज नेगोशिएबल एंड आई होप एवरी पेनी विच विल बी स्पेंडिंग फॉर दिस बाइक इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। एंड ट्रस्ट मी, इसकी टेस्ट ड्राइव तो मैं नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, बट हूसोएवर विल बी द बायर या जिनको पता है व्हाट इज 10r ऑल अबाउट, उनके लिए ये चीज़ इज अ ब्लेसिंग कह सकते हो। एंड जिसको ट्रैक करना है, जो भी मेरे दोस्त बंधु भाई बंधु देख रहे हैं जिनको ट्रैक के लिए अगर लीडर क्लास बाइक चाहिए, तो गाइज आ जाओ और ये चीज़ ले जाओ। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रैक वेपन एंड ट्रस्ट मी, ट्रैक वेपन अगर मैं कह रहा हूँ तो ये असली में है भी। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन। दिस बाइक इज़ एब्सोल्युटली अ मैड मशीन। मैं इसे कहता हूँ ना पागल बाइक, तो ये एक पागल बाइक है, इट्स अ मैड मशीन। 11.75 lakhs, which is further negotiable over the table. आप आओ, don't miss this deal guys, जल्दी से आओ। This is a fully loaded machine. आपको सारा स्टॉक सामान भी साथ में दूंगा मैं, एंड जस्ट ग्रैब इट। अभी मैंने रिवील कर दिया यूट्यूब पे, तो आई नो बड़े सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आएंगे, एंड नाउ आई एम पोस्टिंग दिस बाइक ऑन माई फेसबुक पेज ऑल्सो। अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, इस बाय द नेम ऑफ सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है आई एम जसनीत के नाम से, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी वीडियो के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट 10r गाइज, थैंक यू। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। तो गाइज ये जो आज हमारी ZX10r को लेके वीडियो थी गाइज, ओनली वन इन इंडिया, एक्जैक्टली एक्सक्लूसिवली ओनली सिंगल पीस इन इंडिया, जो भी आपने देखा इस वीडियो के अंदर और आपको मिलेगा नोवेयर एल्स देन सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स, जसनीत सिंह के पास, मेरे पास, बिल्कुल ठीक। सो दिस वाज इट टुडेस वीडियो अबाउट ZX10r गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नीचे जाकर हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और कमेंट नहीं करा अभी तक, कमेंट कर दो वीडियो पे, इतना बता दो कि बाइक कैसी लगी, मेरे मन को शांति मिलेगी थोड़ी अगर आपको भी अच्छी लगी है। तो बाइक आपको वैसे अपना पर्सनल ओपिनियन दो, सच्चाई दो, अच्छी लगी बुरी लगी, क्या सही लगा कहीं कैसा लगा, तो डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो गाइस पहले नीचे जाके हिट दैट लाइक बटन एंड इस वीडियो को लाइक कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स गाइस। ऐसे ही प्यार बढ़ता है, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, बढ़ाते रहो, ऐसे ही मैं आपके लिए एक नई नई चीज़ें, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियोज भी कंटिन्यूसली वीडियोज आती रहेंगी, आपको बड़ी सारी नई चीज़ें दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड अफेक्शन, स्टे ट्यून टू मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स एंड जसनीत सिंह, and thank you, aise hi achhi video, then stay tuned, see you guys, let's go, bye bye।